के सीन कुछ ऐसे हैं कि मेरे पास सुबह आई कुछ एक मेरे पास सुबह आई 12:25 पे कॉल के हमास कहाँ हो, और अब 12:25 पे बंदा कहाँ होगा एक मिनट दिखाता हूँ। मैंने उसका फ़ोन उठाया, बोला हाँ जानी बोल क्या काम है। उसने बोला उठा हुआ है, बोला नहीं यार मैं अपने बेड के ऊपर सो रहा हूँ। बोला उठ जल्दी। तो उसका फ़ोन आया क्यों, असल टॉपिक है हमारा। उसका फ़ोन आया यूँ, उसने बोला कि आज फ्री हो भाई। मैंने बोला हाँ यार तेरे लिए हमेशा फ्री हूँ। बोला यार आज भाई का है मेरे निकाह, तो आपको निकालनी पड़ेगी अपनी क्वीन। मैंने बोला हैं, बोले प्लीज़ पेट्रोल भी डलवा दूँगा। मैंने बोला यार जब पेट्रोल फ्री का आ रहा है तो क्यों नहीं जाएं, लेकिन हम उससे पेट्रोल नहीं लेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी क्वीन के पास। क्वीन के पास जाने से पहले मैं आपको एक और बंदे से मिलवाता हूँ, नीचे चल गए। और अगर किसी ने भी हमाद अंसारी का चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जाकर हमाद अंसारी का चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि आपको पता चले कि हमाद भाई भी कैसे ब्लॉग बनाता है यार। खैर चलो चलते हैं अभी। और आप लोग बोल रहे हो यार इसने जब निकाह में जा रहा है तो इसने चप्पलें क्यों पहनी। चप्पलें मैंने इस वजह से पहनी क्योंकि क्वीन के अंदर रखे हुए हैं मेरे शूज, और वो शूज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा। और एक बंदा तो ऐसे तैयार होकर बैठा है जैसे उसका अपना निकाह हो। इधर आओ इधर आओ, कम है कम है। एक मिनट दिखाता हूँ, ये देखो ये भाई। एक मिनट ये देखो, यहाँ से यहाँ तक फुल सजा हुआ है। वाह भाई भाई निकाह है हमारे, मतलब आपको मत सिखा। चल तो निकाह का मतलब है शादी। तो शादी में आपकी है, आपकी है भले मेरी ना हो, किसी की तो है ना। तो जिसकी है उसको इतना तैयार होने दो, तो आप इतना क्यों हो रहे हो रहे ना। तो यार तुम चलो, टाइम नहीं है। देखो टाइम क्या हो रहा है, ये वॉच दिखा रहे हैं 4:10। चाय चल जाए फटाफट। और एक मिनट, दो बंदों ने मुझे तबीयत से तंग करा हुआ है। इनकी मेरे पास कॉल आई 11 से उठा रहे हैं, लेकिन मैं वही आपको पता है ढीर, एक माह ढीर होता है, मैं वही उठा कितने बजे, 3 बजे उठा हुआ। तो खैर चलो अभी चलते हैं, क्योंकि पीछे से आपको आवाज़ आ गई है। किसकी आ गई है? चलो भाई फाइनली हम लोग आ गए अपनी क्वीन के पास। और माशाल्लाह से जैसे आज मैं चमक रहा हूँ वैसे आज ये चमक रही है, क्योंकि मैंने 2-3 अपने नौकर पाले हैं ना काम में मिले। शाबाश करो आप। क्यों यार ये एक तो भाई यार पाने नहीं, नंबर प्लेट तो लगाए। हाँ और हमें जाना है अभी डिफेंस के साइड। आपको पता है डिफेंस में कितने मसले मसाइल होते हैं? तो मसले नहीं होते, वो बिल्कुल होते हैं, वो सारे मसाइल ही मसाइल होते हैं। होते वो है टुल्ले तो रोक लेंगे, अभी नंबर प्लेट डिफेंस ही है, वो ये भी है, गाड़ी है, गाड़ी है। पकड़ लेंगे फटीक मार, चाय पानी देने पड़ जाएंगे बिला वजह के। वही तो अंदर जाजी गेट खोलना। बस तो अभी गेट खोलते हैं। और कार की चाबी कहाँ है? मैं शूज भी देखा, दो कार की चाबी दो, मैं एक मिनट अभी गिरता हूँ मोबाइल। मैं आप लोगों को शूज भी दिखाता हूँ अपने कि मैं कौन से पहन रहा हूँ। ये पड़े कहाँ हैं? ओई ओई हालत तो देखो हमारे शूज़ की, इतनी गंदी डटीज डटीज हो रहे हैं। खैर है तो अभी शूज़ वगैरह साफ़ करते हैं, इसके बाद हम आपको मिलते हैं। अपने शूज़ वगैरह मैंने कर लिए हैं साफ़, अभी मैं आपको अपने शूज़ दिखाता हूँ। और यहाँ पे नंबर प्लेट का चल रहा है काम, ये दोनों नंबर प्लेट लगा रहे हैं। और ये रखे हैं आपके बाइक के शूज़ रखे हैं, और ये, और अब मैं आपको आगे से दिखाता हूँ गाइस। एक मिनट तो खैर हमारी नंबर प्लेट भी लग गई है। ये क्या कर रहा है? हाँ सब बंद कर दिया। अब मैं आपको फ्रंट से लुक दिखाता हूँ गाड़ी का। ये इतनी बुरी नहीं लग रही है? हाँ
और सैड सही लग रही है ना? सच्ची लग रही है। बस खैर अब ये लगे नहीं लगे यार, क्योंकि हमें डेली कार निकालनी होती है और हमारे साथ बहुत मसले मसाइल होते हैं। पुलिस हमारे कौन है? हाँ भाई पुलिस जो है हमारे। और ये दिखाता हूँ मैं आपको, आए, आए, मजे करवा रही है ना? फिर मजे तो हो रहे हैं भाई इसके। लेकिन यार एक चीज का नुकसान हो गया, मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन वहां पे पहुंच के दिखाऊंगा। अब मैं कार वगैरह निकाल लूँ बाहर। मैंने आपको बताया था कि हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट आपको गाड़ी निकालने के बाद, तो हम मिल रहे हैं आपको डायरेक्ट गाड़ी के अंदर। वो सारी गाड़ियाँ निकल गया, खैर अभी हम लोग गाड़ी रोक के बम्पर लगाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो हम लोग आ गए बम्पर वगैरह लगा के, फिट वगैरह करके, सिग्नल सब खत्म करके, और ऐसा लग रहा है निका इसका है या मेरा है या पीछे मामू का है। जिस तरीके से हम तीनों तैयार होकर आ रहे हैं, जिसने निका है वो तो वो तो वहाँ वही मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल साथ है। वो देखो ये देखो ये देखो रास्ते में। अब मैं आपको डायरेक्ट वहीं पर जाके मिलूंगा डिफेंस के अंदर। डिफेंस के अंदर जाके आपको मैं मिलता हूँ। और क्योंकि अभी 8-10 गाड़ियाँ माशाल्लाह से ट्रैफिक आपको होता है कितना हुआ होता है कराची के अंदर। सही है भाई डायरेक्ट वहीं मिलते हैं। हाँ यार वहीं मिलते हैं, टाइम ऐसी नहीं है, टाइम ऐसी नहीं है। असर में निकल था मगरिब होने वाली है, खैर चलते हैं अभी और आपको डायरेक्ट वहीं पर मिलते हैं। लोग मस्जिद के अंदर पहुंच गए जहाँ पे निका है, इसका नहीं मेरा नहीं जिस भाई का नहीं निका। और ये पूरे रास्ते लगती ही गई, इसके हाल देखा मतलब ये शौक तो शौक है लेकिन। खैर अब मैं आपको गाड़ी की हालत दिखाता हूँ क्या हुई है रास्ते में। ये देखें पूरी ये निकल गई, ये भी इतनी टकरा टकरा गया। और क्या करते हैं इतनी अजियत से आया हूँ मैं, सब भगा रहे और मैं भगा नहीं सकता इसको। क्या करूँ मैं तुम्हारे, क्या करना है मामू इसका? यार इसके तो 30 से बाहर है टकराई भाई, इतनी सी जम, ये जम ये देखो इतनी सी जम पे गाड़ी बार बार टकरा रही है। और माशाल्लाह से लोग बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, आप लोग भी माशाल्लाह बोल देना। खैर अब जहाँ जाना है हमें निके के अंदर, निका होता है ना, निके निके बोल निका हो रहा है, अंदर मस्जिद है वहाँ पे, यहाँ पे मस्जिद। तो अब मैं मस्जिद के अंदर हो सकता है सिर्फ 2-3 वीडियो बनाऊँ, थोड़ी बहुत शूट वगैरह करूँ, ब्लॉग नहीं बनाऊँ क्योंकि मस्जिद के अंदर एहतराम करना है, खराब होगा मस्जिद वही। तो खैर अभी हम इसको करते हैं बंद वगैरह और चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। आपके सामने की आधे के एक गाड़ी बंद हो गई थी और अभी गाड़ी निकाली है हमने और हम लोग निकाह वगैरह से फ्री हो गए। अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ और अभी हमें कुछ भी बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा, तो अभी हम रखते हैं मोबाइल को साइड में। जब उसको रुकवाओ गाड़ी वाले को, अपनी डेस्टिनेशन क्या कहते हैं डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। हाँ डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और मेरी हालत कुछ यूँ हुई है कि सर अलग फट रहा है और दिल मेरा ऐसा धक धक कर रहा है ना क्या बताऊँ, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। आते हुए गाड़ी तो माशाल्लाह से फुल चमकी हुई है, ये ना लाइट वाले ना बम्पर सही फिट नहीं करा था ये, तो ये थोड़ा सा बहुत निकल गया। खैर अभी भी तो हुआ है नुकसान क्या
क्या छोड़ दो छोड़ दे, नहीं कर नहीं कर, ये तो पहले से हुआ हुआ है, पहले से हुआ। खैर यार ईद का दिन है, ईद ही मिलेगी, लगवा लेंगे यार, अल्लाह मालिक है। बाकी तो मेरा सर कुछ इस तरीके से पकड़ा, मैं आपको क्या बताऊँ। और कैमरा में आपका भाई यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा। हाँ भाई अल्लाह का शुक्र है भाई, मैं उतर उतर के परेशानी हो गया बम्पर भाई, कसम से डिफेंस से आते हुए ये तो ये बंदा ना 100 दफा उतर गया हो, ऐसी है नहीं है यार, बिल्कुल 100 से ज्यादा उतर गया, जैसे जमा मुर्तजा उतर गया, मुर्तजा उतर गया, ये बंदे ने मना नहीं करा, फौरन उतर उतर गया, देखा बम्पर चढ़ा रहे हम लोग, देख रहे हैं गाड़ी चल कम रही है, रुक ज्यादा रही है। तो खैर इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, अगर आपको पसंद आया तो आपको करना कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करना, सब्सक्राइब करते नहीं हो व्यूज़ देख के भाग जाते हो अपने, ये तो व्यूज़ देख के भाग जाते हो। ओके इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।